किसान किंगडम प्लांटी सब किंगडम इंडिया found in India. ठीक है, plants are versatile plant, generally found in world wide distribution. ठीक है, पूरे विश्व में इसकी प्रजातियां जो है वो पाई जाती है. प्लांट इसके एक वर्ष हो सकते हैं, दो वर्ष हो सकते हैं, या तो बहुवर्षीय हो सकते हैं. सम प्लांट्स आर लियांस टाइप, कुछ प्लांट इसके जो है लियांस टाइप के होते हैं, मतलब लता के तरीके के होते हैं. दूसरी चीज है प्लांट्स आर हर्बेसियस, जनरली इन द फैमिली हर्बेसी मोस्टली द प्लांट्स आर हर्बेसियस हर्ब्स लाइक प्लांट आर थ्री टाइप्स हर्ब श्रब एंड ट्री लाइक. लेकिन हर्बेसी फैमिली में जो प्लांट पाए जाते हैं मोस्टली हर्बेसियस आर श्रब लाइक होते हैं, या तो झाड़ी के आकार के होते हैं या तो शाकाहारी होते हैं. रूट इनके कैसे होते हैं, क्योंकि जनरली प्लांट्स कैसे हैं के डाइकोटिलेडॉन्स के प्लांट है, रूट कैसे होंगे टैप एंड ब्रांच. मोनोकोटिलेडॉन्स का होगा तो एंडोकोटिलेडॉन्स टाइप के होते हैं, लेकिन डाइकोटिलेडॉन्स का है तो इसमें कैसे होंगे जनरली टैप एंड ब्रांच. लेकिन मेंथा एक प्लांट है, ठीक है, मिंट मिंट बोलते हो आप, होता है उनके जो रूट होते हैं वो एंडोकोटिलेडॉन्स टाइप के होते हैं, क्योंकि एक्सेप्शनल कैरेक्टर्स हैं इस फैमिली के. उनके स्टेम कैसे होते हैं, स्टेम जनरली कैसे होते हैं, एरियल टाइप के होते हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच को होते हैं, ठीक. ये जो है बहुत सारे कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर इस फैमिली का है वो कैरेक्टर यह है स्टेम इज क्वाड्रेंगुलर टाइप, सिलेंड्रिकल ना होते कैसे होते हैं क्वाड्रेंगुलर. और टोटल प्लांट आर प्लांट हैव कवर्ड व्हाइट हेयर, व्हाइट हेयर से ये सारे के सारे प्लांट जो है क्या होते हैं कवर्ड. और जो व्हाइट हेयर होते हैं इनके जो हेयर होते हैं हेयर में क्या पाए जाते हैं वोलेटाइल आयंस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे फैमिली में क्या होता है एक फ्रेग्रेंस होता है, एक महक होती है. इसीलिए इस फैमिली को क्या कहा जाता है एरोमेटिक फैमिली, क्योंकि एक एरोमा पाया जाता है. आप देखते होंगे तुलसी दौना ऐसे देखे होंगे, इसमें एक महक होती है. महक इसकी वजह से होती है क्योंकि ग्लैंडुलर हेयर जो होते हैं उनमें वोलेटाइल आयंस पाए जाते हैं जो कि सीक्रेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से यह फ्रेग्रेंस जो है बना रहता है. इनके लीव्स कैसे होते हैं, जनरली लीव्स सिंपल टाइप, ठीक है, और फिलोटैक्सी, फिलोटैक्सी का मतलब क्या होता है अरेंजमेंट ऑफ द लीफ ऑन द स्टेम, स्टेम पे लीफ अरेंज कैसे, तो जल्दी कैसे होते हैं अपोजिट एंड डी कैसे. लीफ का अरेंजमेंट अपोजिट होता है डी कैसे, डी कैसे का मतलब होता है कि हर नोड पे जो है ये क्या करती है रोटेट 90 डिग्री क्या करती है रोटेट कर जाती है. दूसरी चीज है लीफ इनकी सिंपल होती है, पेटियोलेटेड होती है, एक स्टिपुलेटेड होती है, ठीक है, और यूनिकॉर्केट रेटिकुलेट वेरिएशन पाए जाते हैं. वेरिएशन कैसे होते हैं यूनिकॉर्केट रेटिकुलेट वेरिएशन पाए जाते हैं, इंटायर मार्जिन होती है, एक्यूट एक्टर पोर्सन होता है इनका, ठीक है. इसके बाद इनके फोरल कैरेक्टर्स इनफोर्सेंस, ये फैमिली का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. इनके जो है इनफोर्सेंस कैसे होते हैं, इनफोर्सेंस का मतलब समझते हो क्यों, इनफोर्सेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन द राइकिस, राइकिस में फ्लावर कैसे अरेंज होता है. तो इनमें एक स्पेशल कैरेक्टर पाए जाते हैं इनके इनफोर्सेंस में, जिसको कहा जाता है बर्डी स्लाटर. इनके जो इंपोर्टेंस होते हैं कैसे होते हैं वर्टिस स्ट्रक्चर टाइप, वर्टिस स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि फ्लावर ऑन द बेल डाइचेजियल साइड एंड एक्टर पोर्शन मोनोचेजियल साइड. बेस पे वो जो है डाइचेजियल साइड होता है, लेकिन एक्टर पोर्शन कैसे हो जाता है मोनोचेजियल हो जाता है, ठीक. इनके फ्लावर फ्लावर कैसे होते हैं, फ्लावर पेडिसिलेटेड होते हैं, पेडेंकिलिक प्रेजेंट पेडिसिलेटेड होते हैं, प्रैंकिलेट होते हैं, प्रैंकिलोलेट होते हैं, एक्टिनो मार्केट ना होते जाइगो मार्केट होते हैं. जाइगो मार्केट को समझते हो नहीं, जब फ्लावर को हम कट करते हैं सेंट्रल रीजन से तो ये दो हाफ में डिवाइड नहीं होते, जब दो हाफ में डिवाइड नहीं होते तो जाइगो मार्केट रेयरली एक्टिनो मार्केट. इन केस ऑफ मेंथा ठीक फ्लावर एक्टिनो मार्केट हर्मोफ्रोडाइटा बाइसेक्सुअल रेयरली यूनिसेक्सुअल पेंटाथेरस एंड हाइपोमैनस कंडीशन क्रिएट, ठीक. इसका कैलिक्स नंबर ऑफ सेपल्स हाउ मेनी सेपल्स होते हैं
गैमोसेप्लस कंडीशन। गैमोसेप्लस का मतलब होता है कि सेपल्स कंसिस्ट टुगेदर ऑन द बेस, बेस पे सेपल्स क्या होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं, बाइलेटरल होते हैं। ठीक, इसके अलावा जो है कंपाइनुलेट, कंपाइनुलेट का मतलब स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ द एलिस, सेपल के जो स्ट्रक्चर होते हैं कंपाइनुलेट वेल शेप होते हैं। इसके अलावा पर्सिस्टेंट, पर्सिस्टेंट का मतलब होता है कि हमेशा ये फ्लावर के साथ लगे हुए होते हैं। वॉल्वेट और इंप्लिकेट एक्सटिवेशन होता है इनका। ठीक, एक्टिवेशन और बाई हाइब्रिड कैलिस जो होते हैं इनका अरेंजमेंट हर प्लांट में अलग अलग होता है। जैसे अगर आसमान साइंटम एक प्लांट है तुलसी जी का, ठीक, उनमें जो सेपल्स का अरेंजमेंट होता है 1/4 के रेशियो में होता है। मतलब एक सेपल जो होता है वह बड़ा होगा डॉर्सल साइड का, वेंट्रल साइड के चार जो होंगे वो छोटे होंगे। क्योंकि फ्लावर पेंटागनस है तो सेपल्स भी 5 होंगे, करोला भी 5 होंगे। ठीक है, एंड्रूसियम इसमें 4, पैंथर जो होते हैं वो 4 पाए जाते हैं। करोला पेटस नंबर ऑफ पेटस इज 5, गैमोपेटस कंडीशन। और इनके एक्सप्रेशन जो होते हैं वॉल्वेट टाइप के होते हैं और इनका अरेंजमेंट उसी तरीके से। अब यहाँ पे अपोजिट सेपल्स, मतलब वहां पे 1/4 था, यहाँ पे 4/1 हो जाएगा 5 में। ठीक, ये ऑसम कोरियस का जो है